पोका को 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 डॉक्टर बोले कि ये स्नेक का कुछ लग गया इस पे, मतलब बात बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। I know you told your friend you're not okay. दोपहर हो चुकी है, पूरा दिन बिजी था मैं, पूरा दिन, और सुबह से लाइट नहीं है। नियर अबाउट सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है और अभी कह रहे हैं कि रात को 8 बजे आएगी। पंजाब में इतना बुरा हाल है लाइट का, मतलब कोई हिसाब ही नहीं कि कब लाइट जा रही है, कब लाइट आ रही है, कुछ भी नहीं है। वो सुबह से वैसे ही बैठे हैं। और मेरी छोटू आई मेरे पास, छोटू को मैंने अभी ट्रीट दी है। हाँ वाइट चादर बिछा के, और टिंडी को दी हुई है यहाँ पे हड्डी, देख पा रहे हो आप लोग, ये हड्डी खा रहा है यहाँ पे बैठ के। वो जो बोन आती है डॉग्स के लिए, और विकास सारा दिन पिक्सी के साथ लगा रहेगा। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की तबीयत से कोई लेना देना नहीं है, किसी के काम से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना काम और पिक्सी, बस और कुछ नहीं है उसको। मैं दिखाती हूँ विकास कहाँ पे है, इस सारा दिन इसी के साथ ही दिखेगा। ये देख लो। और कितने दिन हो गए मैं बताती हूँ, करीबन एक महीना तो नहीं हुआ, करीबन 2 हफ्ते हो गए। हाँ 2 हफ्ते हो गए, अभी तक बच्चों की फीड नहीं आई थी, और जब से पिक्सी आई है विकास फीड लेकर आता है, विकास डेली बिस्किट्स लेकर आता है, विकास हर तरह की चीज़ लेकर आता है जो उसके मुँह के टेस्ट को अच्छी लगे, उसके स्टिक्स लेकर आता है खाने के लिए। और अभी भी, और जो वो अनीता दीदी है ना, तो उनके हस्बैंड वो देकर जाते हैं, जो भैंस का दूध, जो भैंस बच्चा देते हैं ना, उसके 2-4 दिन बाद दूध निकलता है अच्छे वाला, तो वो दूध दे के जाता है, तो वो पिलाता है पिक्सी को। ये देख लो, ये पिला रहा है दूध, किसी और कुत्ते को थोड़ी चाहिए। नहीं बस ज़्यादा मत दियो, कहीं पेट उसका फुला दे, उसको बार बार कुछ ना कुछ खाने को दिए जा रहा है। हरियाणा में बोलते हैं उसको खीस होती है, वो जो गाय और भैंस के दूध की होती है, जब गाय और भैंस नया नया दूध देते हैं ना, तो वो दूध जब प्योर होता है तो वो भैया देके जाते हैं हमें, मेरे लिए, ताकि मैं और मोटी हो जाऊँ, और जो भी मेरे को फैट वगैरह चढ़ रहा है वो उसी वजह से चढ़ रहा है, क्योंकि ये गर्दन पर हल्का सा मैं ऐसे करूँ ना, ये ऐसा हो रहा है ना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अनीता दीदी कुछ ज़्यादा ध्यान रख रही है। ये सारी मेरी जो लाइन खत्म हो चुकी नहीं, थोड़ी सी रह रही है, पूरी नहीं हुई, बट लग रहा है अगर ऐसे ही खाते रहे 2 महीने बाद सर्दी आ जाएगी, फिर वैसे ही खाया जाता है। क्या दे रहे हो, टमाटर? और ये बैठा है बलराम, और ये है मेरा बेटा डोलू। यहाँ पे हमने ये बीच में सूट का सगाया है क्योंकि टिंडी स्पेस के अंदर है, तो ये इस तरह से है, और मैं इधर लेटी। ये आलू बुखारा खा रही है, इतने बड़े बड़े आलू खा रहे हैं। ये क्या चीज है? बहुत स्वाद है ये तो यार, अच्छे है ये। ये तुम हमारे लिए तो कुछ नहीं लेकर आए, किसके लिए लाए हो? खा तो कोई और है, हमारे लिए आता है बट खाती पिकती है, खाता ही पिक्सी है। इसको हर 2-2 मिनट बाद देख लो, इसको पेट का क्या हाल कर रखा है, कर आई सही करी है। हम सबको खाना खिला दे, सब नखरे कर रही है, अभी बता दो। अरे यार सबको मिल गया, ओए तो कराओ, मैं फोन पे बात बॉयफ्रेंड से, चक्कर चल रहा है हमारा है। रोटी खा खड़ी हो गई, चल रोटी खा, फिर कुछ करके रोटी खा में ना कर, कोई बात नहीं, 2 रोटी खा ले, कड़ी अच्छी बनी है, चल रोटी खा ले। रोटी भी दिखाऊंगी, कितनी रोटी खाती है।
चल चल जा कर रही हूँ बंद। किशन से सुलाया मैंने, जिसकी तबीयत ठीक नहीं उसको ना उठा बार बार। दे मेरे को पिक्सी, इधर दे सुलाऊं उसको मैं। बस पिक्सी सुलाऊं, पिक्सी उठाऊं, पिक्सी खिलाऊं। दे दो छोटे पिकू इधर आ। हाँ पिकू इधर आ। छोड़ दे। मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, तीन दिन से तो दिक्कत हुई है मुझे। वो ये हुई है, ये कोई मतलब मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर बोले कि ये स्नेक का कुछ लग गया इस पर, मतलब समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे थे वो, क्या लग गई मिट्टी वगैरह है कुछ, तो उसकी वजह से ना मेरा जो थंब है ये पैर का ये काला हो रहा है अपने आप। तो अभी इसकी दवाई ली है और एक मंदिर में जाके जो मतलब वो झाड़ा लगवाया, तो झाड़ा लगवाया उसका, अभी कुछ फ़र्क है वैसे, दर्द में आराम है, एक दवाई खाई है इनकी तो ये तीन दिन तक ऐसे ही होएगा। वो कह रहे कि अगर जैसे स्नेक का ना कुछ मतलब, मैं वहाँ बच्चों को खाना देने गया था प्लॉट में, शायद वहाँ से कुछ हुआ है, मुझे समझ नहीं आया कब हुआ गया। तो अभी उसको थोड़ा देसी घी वगैरह कह रहे थे लगाना और देखते हैं अभी दो तीन दिन में लगेगा ये ठीक होने में। बहुत ज़्यादा पेन था मेरे को आज, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया, नहीं तो मैं पेन किलर खा के आराम कर रहा था। अभी चलो हो जाएगा ठीक, तीन दिन से और बहुत ज़्यादा पेन है। सुबह चीज सी उठ रही है जैसे ऐसे बहुत ज़्यादा। शाम मुझ के मन बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। बलराम बलराम आ नहीं रहा, इधर खड़ा हो, कोका कोला ले आ। क्या कोका कोला बोल, देख बोल क्या बोल रहे हैं दुकान पे जाके क्या बोलेगा। टोटा टोला नहीं बोलना, कोका कोला, कोका कोला, कोका को को। ये तोतले को भेजते हैं हम डेली के डेली कुछ ना कुछ लाने के लिए, अब शाम के लिए तो ये दुकान पे जाके कुछ और ही बोलता है और लाना कुछ और ही होता है और आता घर में कुछ और ही है। तो मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी कि जो विकास के पैर पे जो विकास आज दवाई, विकास तबीयत तीन दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है और विकास के पैर के ऊपर से सांप चला गया, और विकास के ऊपर से पैर के ऊपर से सांप चला गया और विकास को पता नहीं चला और वो पूरे के पूरे पैर के ऊपर जहर फैल गया। और तीन दिन से विकास ले रहा था पेन किलर्स ले रहा था, उसका पैर में बहुत दर्द हो रहा था बट हमें पता नहीं था कि सांप काटने का जहर ऐसा होता है। तो हम डॉक्टर के पास गए कि ये अपने आप ही सारी स्वेलिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा पैर सूज रहा था, पूरा नीला हो गया पैर। तो डॉक्टर कहता है ये नॉर्मल नहीं है, ये तो सांप काटा हुआ है, आपको जहर निकलवाना पड़ेगा। ये आज ये कहीं पर गया, वहाँ से उन्होंने जहर निकाला और इसको थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को दिया, उससे इससे फ़र्क पड़ा है। और अभी पैर की हालत इतनी बुरी है कि पैर ऐसा लगता है जैसे जल नहीं जाता अंदर से। क्या हुआ अभी जो मैं बात कर रही थी, विकास के पैर पर दीदी ने ही मार दिया और उसके पैर पर। दिखाना विकास, दिखाना। कोक आ गई मेरी, किचन में खड़े थे और दीदी ने अचानक से ड्रॉर खोला और विकास के पैर पे लग गई और वो अचानक से सारा ब्लड 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 हो गया। विकास का पैर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, पूरा नीला हो रखा था।
और ऊपर से दीदी ने ऐसा कर दिया। तो हुआ यूं था बता आजकल क्या चल रहा है हमारा। चलो आखिर करते हैं शुरू। फिर हुआ यूं था आजकल और मैं मिले तो फिर भगवान ने कहा तुम आज का ध्यान रखोगे क्या? सुनता रहे। फिर मैंने कहा भगवान मेरे बेटे को मेरे को दे दो, मैं आप जैसा दोगे। तो फिर मैंने कहा भगवान मेरे बेटे को मेरे को दे दो, आप जैसा कहोगे हम वैसा रह लेंगे। भगवान कहता आकर के सारे नखरे उतारने पड़ेंगे। हम कहते ठीक है भगवान हम आकर के सारे नखरे उतार लेंगे, बट मेरे बेटे ने कभी परेशान नहीं किया किसी का भी। मैं दूध के लिए परेशान करा, मैं रोटी के लिए परेशान करा, मैं खाने के लिए परेशान करा, जैसे दे देते आकर वैसे ही खा लेता खाना। फिर हमने कहा भगवान आते हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा? कहते हाँ वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, अगर तुम आते को प्यार करते रहोगे, आते को अपना बेटा समझोगे तो आते भी तुम्हें अपना माँ बाप समझेगा। फिर भगवान ने कहा आर्थर तुमको तुम्हारे माँ बाप कैसे लगते हैं? आते कहते बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि आता डेली रात को मेरी सारी बातें सुनता। तो आता मैं ज़िंदगी में अकेला था जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए। फिर मैंने कहा आता रहा था तुम मेरे साथ रहोगे? तो आता कहता हाँ मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। फिर तुमके तो तुम्हें कहता था तुमको क्या चाहिए? आता कहता मामा मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, इतना सारा प्यार चाहिए कि कभी भी मेरा मन ना भरे। आता तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे बेटे ने मुझे इतना प्यार किया इतने कभी भी मुझको अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आता ने हमारे सारे दुख दर्द दूर कर दिए, इतनी सुंदर शक्ल मेरे बेटे की, इतनी सुंदर अब कोई नहीं समझ सकता। बिलो मेरा बिलो दे दे इधर दे चलो। अच्छा डोडो इसीने सुसु करा था, यही पकड़ा गया था छत पे, पौधे खाता हुआ, पौधे खाए थे, इसीने खाए थे पौधे, ऊपर मिट्टी करी थी, सुसु वगैरह करके आ जाता ऊपर, खाए थे पौधे। हाँ सब बोलते हैं जोड़ो सुसु करके छत पे पकड़ा जाता है। फिर पूछ ले ऐसे बनाता है, ये पूछ देख लेगा सिर्फ इसलिए ना पकड़ा जाता है। फिर ऐसे ही करता है डोडी आके देख लो इसकी थोड़ी, इसीने करा इच्छा हो तुझे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਚੇ ਲਾਡੀ ਲਲਾਣ ਦਿਓ। ਵਲੌਗ ਮੇ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਬਤਾਓ ਡੋਡੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕਿ ਜਬ ਡੋਡੋ ਪਕੜਾ ਜਾਤਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਸੇ ਪਕੜਤੀ ਇਸ ਡੋਡੋ ਜਬ ਪਕੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡੋਡੋ ਹਮੇ ਕੈਸੇ ਰਿਮੋਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਮੇ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਡੋ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਹੈ? ਡੋਡੋ ਕੋ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਡੋ ਕਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਦਾਂਤ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਯੇ ਦਾਂਤ ਐਸੇ ਦਿਖਨੇ ਲਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਯੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਡੋਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ, ਸੁਸੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਅਬ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਡਰਾਗੁਲਾ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਸਾਈਡ ਕਾ। ਸੋ ਜਾ ਬੇਟਾ ਸੋ ਜਾ। ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ